नमस्कार, प्रत्येक खबर के साथ मैं करुण बिहारी कालीनगर बिहार से इस वीडियो के साथ अब लगातार बने हैं, बने रहिए। और आप इस वीडियो के साथ देख रहे हैं पानी का जलस्तर घट गया है। अब जो है किसान लोगों का अब काम जारी होगा खेती बाड़ी का। और आप देख रहे हैं हरा भरा खेत, जो आप देख रहे हैं ये मनिजरा का खेत है, जलावन के लिए बोया गया है। और इसका बीज जब तैयारी होता है तो 40-50 रुपया केजी के दर से बिकता है। उसी पैसे से किसान लोग अपना खेती बाड़ी में जोत में लगा देता है, ट्रैक्टर वाले को खर्च देता है। और इस वीडियो के साथ देख रहे हैं और दिखाते हैं, इस वीडियो के साथ यही जगह है, आज कई एक महीना से पहले पानी का आगम था। और आप देख रहे हैं ये वीडियो के साथ 6 फीट पानी का ऊपरी सतह का ये वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरह से पौधे में जो उजला ऐसा दिखाई दे रहा है वहां तक पानी का जल स्तर पहुंचा था। जहाँ कि यहां पर मात्र में ये खुट्टा देख रहे हैं इतना ही पानी लगता था और जो है कि चले जाते थे घट कर। लेकिन जब ये पानी का विस्तार रूप अबरी बार आया तो बहुत परेशानी किया सभी जीवों को। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों अबरी बार जो है मछली सबसे ज़्यादा आया है। मछली जो आया है बहुत जगह जगह पुल पुल जाके निकट जो है कि जाल लगाया गया। और अबरी बार सबसे सस्ता मछली सभी लोग खाया, जो सब मछली खाते हैं वो खाया। और आप देख रहे इस वीडियो के साथ मछली का झुंड। और यही जगह है, एक लड़का जो है आर पार होता था पानी में, जो कि इस पुलिया के आर पार। और आप देख रहे हैं इस वीडियो के साथ लगभग यहाँ से 20 फीट का लंबा है यह पुलिया, इसी से पार होता था आज एक महीना पहले, जो कि मैंने फेसबुक पर वीडियो वायरल किए थे। और यह पानी जो आया सभी लोगों को बहुत परेशानी है तो झेलवे किया। सबसे ज़्यादा जो है अबरी बार कटा हुआ वो भी हुआ गोपालपुर भागलपुर जिला में, जो तिमटंगा दियारा क्षेत्र आते हैं, बिनटोली गांव है गणिदास टोला के बगल में दक्षिण साइड में, वहां पर इतना कटाव आया भयंकर कि बहुत परेशानी झेलना पड़ा। और बिहार के सभी मंत्री आए और जायजा लेकर आश्वासन दिया गया है कि और रिंग बांध बनने का भी आश्वासन दिया गया है। आप पेपर न्यूज में सुने होंगे और इस वीडियो के साथ आप सबको ये सूचना पहुँचा रहे हैं। और ये बात सही है, लेकिन अगर पुल पुलिया अगर रोड और कोई भी चीज़ सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो मेरा अपील है कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर और जो खर्च आते हैं उसके जो रकम आते हैं, यानी कि सामान जो आते हैं ईंट बालू गिट्टी जो भी सामग्री आते हैं वो सीसीटीवी कैमरा के तहत वो काम होना चाहिए, ताकि उसका घट भर कोई चुरा कर बेच ना ले ठेकेदार लोग, वो सब होना चाहिए। और जो खर्चा आया है तो वो खर्च करना चाहिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर इस तरह से खर्च अगर नहीं करता है तो रोड जो है कि अंग्रेज का बनाया हुआ रोड अभी तक नहीं टूटा है पुल पुलिया। लेकिन जब हमारे भारत सरकार के द्वारा जब बनाया जाता है ठेकेदार द्वारा जो गमन करते हैं पैसा, और जो अगल बगल के दबंग लोग सब मिलकर, तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि रोड और पुल पुलिया जो समाज के लिए आते हैं बनाने के लिए, उसमें कटौती नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए रोड बनाया जाता है, आपके लिए बनाया जाता है और समाज के लिए भी। और अगर आप दबंग दिखाते हैं, दबंगी करते हैं, तो जैसे कटा हुआ तो इसमें आप फोन के दिखाते कि हम कटा रोकते हैं गोली के नोक से, इस पर नहीं आते हैं, खाली आते हैं गरीब लोगों को सताने के लिए। गंगा मैया से थोड़ा लड़के दिखाते हैं तब ना दबंग आप हुए, ये का चीज का दबंग हुए, खाली गरीब लोगों को ये इधर उधर करना, डराना धमकाना। अरे भाई, जिंदगी में एक बार आए हो, धरती पर नाम कमा के जाओ, कुछ पुण्य कमा के जाओ और सही काम करके जाओ। ये दबंगी देखने से कोई फायदा नहीं। अगर आप सवा शेर है, किसी का बेटा जो है कि डेढ़ शेर जरूर आएगा, ये नहीं कि खाली लड़की, अगर लड़कियों भी सवा शेर का है, डेढ़ शेर का, अगर आप सवा शेर है तो वो भी डेढ़ शेर का बनने के लिए तैयार है। आजकल डिजिटल का बच्चा जो है ना, ये मानने वाला ना है, चाहे दबंग हो चाहे जो भी हो, छोड़ेगा नहीं। अगर उसके बाप को आप सताए हैं तो आपको सताएगा ही। इसलिए इस वीडियो के साथ सभी को जागरूक कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी पे आइए, ईमानदारी से काम कीजिए, चाहे जो भी क्षेत्र का हो।
आप दबंग है तो अपना कर्तव्य निभाइए, दबंग निभाने का भी कर्तव्य होता है। किसी के शादी ब्याह में हाथ बताइए, गरीब लोगों को सुविधा दीजिए, यही सब हुआ दबंग। दबंग क्या, दबंग कुछ नहीं है, दबंग एक लैंग्वेज है, एक भावना है, प्यार दुलार है। दबंग ऐसा नहीं कि गोली बारूद छोड़ दिया, दिखा दिया गोली का नोक, कोई दबंग या वैसा बात नहीं है। दबंग होता है कई प्रकार से, जो प्यार दुलार से बना हुआ हो। पैसा वाले हैं तो आप गरीब को सहयोग करते हैं या सही सुझाव देते हैं, तो वो भी दबंगे है। जो प्रिय लोकप्रिय है कोई चीज़ में, तो वह दबंग ही कहलाया जाता है, एक शब्द के माध्यम से। जिसका नाम हो, लफ्ज पे नाम लेता हो और उसको भगवान के नाम के दर्जा दिया जाता है, वही दबंग है। आप दबंग, गोली दिखाने वाला दबंग नहीं कहलाता है, जो दूसरे को सहयोग करता है वही दबंग कहलाता है। दबंग मतलब होता है कि आपके दबंग कब आपको माना जाएगा, जब आप दूसरे को भलाई कीजिएगा तब। इसलिए दबंग देखने से कोई फायदा नहीं है, दबंग अपने जगह पर रहिए। अब गरीबी लोग भी अपने जगह पर है, वो गरीब कब महसूस करता है, जब उसके पास जो सामान आपके पास है वो चीज़ उसको ज़रूरी है, लेकिन उसके पास जरूरी मांगने पर आप नहीं देते हैं तो आपको तलवा चढ़ना पड़ता है, तो आप उस पर उसका ज़मीन हड़प लेते हैं, तो वही दबंग हुआ। और कुछ नहीं है, दबंग की बात कुछ नहीं है। दबंग धरती पे आए हैं, कोई दबंग नहीं, गंगा मैया के सामने कोई दबंग नहीं, नहीं दिखा पाया कोई दबंग। सरकार भी आता है तो अपना पगड़ी झुका कर ही कहता है, हे मैया रोक दीजिए, कटाओ, मैं काम करूँगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ बने हैं, बनते रहिए। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सुनिएगा, गलत होगा तो आप लोग वीडियो को सुनकर अच्छे शब्द को यूज कीजिएगा। और इसी वीडियो के साथ नमस्कार।